हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे एकदम नया डिज़र्ट, चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग। बहुत ही मज़े का होता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे इस तरह से अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरी वीडियो को शेयर करिए। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर दूध हमने बॉयल करने रख दिया था, आज हम इसको इंडक्शन पर बना रहे हैं। 4 से 5 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, आधा कप दूध में मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद हम ये देखिए दूध में बॉयल आने लगा है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे हम चलाते रहेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने देना है और हमें अच्छे से इसे पका के रेडी कर लेना है कस्टर्ड को। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी बराबर आने लगी है, बहुत अच्छे से हमारा कस्टर्ड बनने लगा है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, मैं इसमें 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। आपके घर में अगर थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। अब हम इंडक्शन को बंद कर देंगे और हमारा कस्टर्ड बनके अच्छे से देखिए रेडी हो चुका है। अब हम इस कस्टर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए आधा हमने अलग साइड में निकाल के रख लिया है कस्टर्ड को, और आधा हमने इसी में रहने दिया है। अब हम इसमें डार्क चॉकलेट डाल देंगे और डालने के बाद इस चॉकलेट को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मिक्स होने लगी है और अब हम इसे अच्छे से पका के रेडी कर लेंगे। अच्छे ये देखिए चॉकलेट बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, अच्छे से हमारा कस्टर्ड चॉकलेट कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, इंडक्शन को बंद कर देंगे। अब हम 1 कांच का बाउल लेंगे और इसमें हम मैरी गोल्ड बिस्किट जो है, ये देखिए हमने किटकैट चॉकलेट और पर्क चॉकलेट को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख लिया था। अब हम ये मैरी गोल्ड बिस्किट को दूध में डिप करके इस बाउल में इसके लेयर लगाएंगे। ये हम बिस्किट से बना रहे हैं। ये देखिए हम सारे बिस्किट को दूध में डिप करके इसके लेयर लगा लेंगे, नीचे का बेस बनाएंगे इस तरह से। चारों तरह से हम पूरा बिस्किट से नीचे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध ऊपर से डालेंगे जिससे कि हमारे बिस्किट जो है अच्छे से नीचे से नरम हो जाए और अच्छे से हमारा ये बेस बन के रेडी हो जाए। ये देखिए 3 से 4 चम्मच हमने इसमें दूध डाल दिया है और हल्का सा इसे हम प्रेस कर देंगे बिस्किट्स को। कस्टर्ड जो हमने साइड में निकाल के रखा था वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे उस कस्टर्ड की लेयर को, और इसके बाद हम इसमें चॉकलेट के छोटे छोटे पीस डाल देंगे और फिर से हम इसके ऊपर चॉकलेट कस्टर्ड चॉकलेट हमने बना के रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे और उसकी लेयर इसमें लगा देंगे कस्टर्ड चॉकलेट की। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी लेयर लगा दी है। अब हम इस पर फिर से हम दूसरी लेयर लगाएंगे बिस्किट की दूध में डिप करके। ये देखिए इस तरीके से हम दूसरी लेयर भी लगा के रेडी कर लेंगे बिस्किट की, और सेम प्रोसेस करेंगे हम। इसके ऊपर फिर से हम कस्टर्ड डालेंगे और उसके बाद हम इस पर चॉकलेट डालेंगे, और चॉकलेट डालने के बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट जो हमने पुडिंग बना के रेडी करी है वो हम डाल देंगे। इस तरीके से हम पूरी कवर कर लेंगे चॉकलेट डालने के बाद, और जो चॉकलेट के पीसेस बच गए हैं वो हम ऊपर से डाल देंगे गार्निशिंग में। ये देखिए इस तरीके से हमने छोटे छोटे पीसेस काट के रखे हैं, इस पर ऊपर से डाल दिए हैं। अब हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुका है, बहुत ही अच्छी हमारी पुडिंग बन के रेडी हुई है। कस्टर्ड चॉकलेट पुडिंग है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितनी अच्छी पुडिंग बनी है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है, खाने में बहुत ही मज़े की है। आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में आपके बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। ये नया डिज़र्ट है, आपके घर में कोई मेहमान आए आप उनके लिए भी ज़रूर बनाइएगा और उनको भी ये बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।